हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई के आईपीओ की, जो कि भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। किस तरीके से आईपीओ को परचेज करेंगे, क्या रहेगी इसकी इनिशियल डेट, कितने रुपए का प्राइस रहेगा, किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसेट गाइड को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और सुनिश्चित करें कि आपके इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई देता हो तो ही आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो के जल्दी से मिलेंगे। और ये सब फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं देना। अगर आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेंगे और वो आपको थोड़ा बहुत पैसा देने के बाद ही मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई ऐड नहीं मिलता देखने को। तो चलिए वापस आते हैं हुंडई इंडिया। अगर हम हुंडई इंडिया की बात करें तो ये जो है साउथ कोरिया की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि साउथ कोरिया की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसकी एक खास बात ये है कि इस कार को मिडिल क्लास से लेकर जो अपर क्लास और वीआईपी टाइप के लोग हैं सभी जो है पसंद करते हैं और सभी के पास आपको हुंडई का कलेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इसके आईपीओ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो हुंडई का जो आईपीओ आने वाला है वो अपने आप में सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 27,870 करोड़ का आईपीओ देखने को मिलेगा और ये बिगेस्ट है आज के टाइम में। अभी तक किसी भी कंपनी का इतना बड़ा आईपीओ नहीं आया है। हुंडई का 27,870 करोड़ का आईपीओ जो है आएगा, इसकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट आईपीओ था जिसका इसने रिकॉर्ड तोड़ा है वो था एलआईसी का 21,000 करोड़ का आईपीओ आया था और अब ये आया है 27,000 करोड़ का आईपीओ। अब चलिए हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं कि इसके प्राइस क्या रहेंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं हर एक न्यूज़ में, हर एक मीडिया में हुंडई के आईपीओ की ही बात चल रही है। तो चलिए यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम न लगाते हुए सीधे से पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं हुंडई के आईपीओ को किस तरीके से यहाँ पर रेगुलेट किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हुंडई के आईपीओ की, तो आईपीओ की जो कॉस्ट है वो है 27,870 करोड़, सबसे लार्जेस्ट है। इससे पहले एलआईसी का आया था वो मात्र 21,000 करोड़ का बर्थ का था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक शेयर की जो प्राइस रहेगी, जो पब्लिक इसको खरीद पाएगी, वो 1865 से लगाकर 1960 रुपये तक एक शेयर की कीमत रह सकती है। तो ये जो 27,800 करोड़ का आईपीओ आ रहा है इसमें कंपनी की केवल 17.5% जो टोटल इक्विटी का है वो आईपीओ में लिया जा रहा है, यानी कि 14.2 करोड़ शेयर्स जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। कितने टोटल शेयर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, टोटल 14.2 करोड़, और 14.2 करोड़ में कंपनी 17% इक्विटी को जो है डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका आईपीओ 3 दिन तक जो है परचेज किया जाएगा, 15 से 17 नवंबर तक। तो 15 अक्टूबर तक आप इसके आईपीओ को परचेज कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को कुछ स्पेशल जो रहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स, उनके लिए बिडिंग का ऑप्शन अलाउ होगा। तो आप ध्यान रखिए 15 से 17 अक्टूबर, 3 दिन तक इसके आईपीओ को परचेज करने के लिए जो है वो खुली रहेगी विंडो, तो 3 दिन तक आप इसको परचेज कर पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हुंडई में कितने परसेंट इक्विटी को कौन परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर जो 50% इक्विटी है, यानी कि ये 14.2 करोड़ जो स्टॉक्स हैं इसमें से 50% जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हैं। 50% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहेंगे। और यहाँ पर अगर 15% की बात करें तो यहाँ पर जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं वो आ जाएंगे, और बाकी अगर 35% की बात करें तो यहाँ पर 35% रिटेलर्स जो हैं इसके स्टॉक को, आईपीओ को परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मात्र 35% में ही रिटेलर्स को जो है यहाँ पर परचेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये तो हो गया कि कितने स्टॉक्स हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 50% परचेज कर सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 15% कर सकते हैं, और रिटेलर्स जो हैं यहाँ पर 35% स्टॉक को कवर कर सकते हैं। हुंडई मोटर्स जो है साउथ कोरिया की सब्सिडरी कंपनी है,
इसका आईपीओ भारत का सबसे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसमें 14.2 करोड़ स्टॉक्स जो हैं 17.5% ऑफ टोटल इक्विटी जो है वो डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं आईपीओ के थ्रू। तो चलिए फिलहाल यही था अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।